हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को लेकर के, यानी सेल्स रिटर्न परचेस रिटर्न को लेकर के मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। 2, 3 या 4 वीडियोस मैंने बनाई हैं, लेकिन फिर भी कई बार से ये कंफर्मेशन नहीं हो पा रही थी आप लोगों को कि ये क्या है। कहीं ना कहीं चीज़ें फंस रही थी, तो मैंने ऐसा सोचा है कि आज मैं आपको पूरा डिटेल में क्लियरली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यह है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर नई कंपनी बनी हुई है और इसमें कोई भी वाउचर एंट्री पास नहीं हुई है। तो चलिए वाउचर एंट्री पास करते हैं। पहली एंट्री जैसा कि आप जानते हैं रिसिप्ट वाउचर में पास होती है, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, डायरेक्टली चलते हैं परचेस वाउचर में, क्योंकि सवाल डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का है। तो यहाँ पर अभी कुछ परचेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दिया, 1 अप्रैल 2021 को हो रही है परचेजिंग, और यहाँ पर हमें क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगाना है। ठीक है, अब एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे आइए, एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर लगा दिया हमने। ठीक है, अब बेसन की बात कर लेते हैं। तो ये बेसन स्टॉक आइटम पहले से बना रखा है हमने। ठीक है, तो एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर मान लीजिए कि 50 किलो बेसन हम परचेज कर रहे हैं। और रेट क्या है, रेट है 70 रुपये किलो। 70 रुपये किलो के हिसाब से हमने 50 किलो बेसन परचेज किया। इसके बाद एंटर करके नीचे आएंगे और ऑल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे। यहाँ पर राइस लिखता हूँ, यानी अब हम चावल की भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये भी किलो में परचेज कर लेते हैं। तो ये किया हमने, ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए कि 50 किलो चावल भी परचेस कर रहे हैं और रेट क्या पड़ रहा है, 40 रुपये किलो के हिसाब से ये चावल जो है हम परचेस कर रहे हैं। तो 50 किलो चावल और 50 किलो बेसन हम दो चीजें परचेस कर रहे हैं, ग्रोसरी आइटम्स। ठीक है, कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट करा लिया। किसी कारण से चावल खराब निकल गया, 50 किलो चावल जो है खराब निकल गया, तो जो एंट्री पास होगी वो डेबिट नोट में पास होगी। ध्यान दीजिएगा, जो एंट्री पास होगी वो किस में पास होगी, डेबिट नोट में। ठीक है, तो यहां पर डेबिट नोट में आप जाइएगा, ऑल्ट के साथ F5 भी प्रेस कर सकते हैं आप, और यहां पर आएगा आपका क्रेडिटर पार्टी का लेजर, इन्हीं को ये रिटर्न जाएगा। तो इन्हीं को ये दे दीजिए रिटर्न में, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर अगर आपको याद है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, एंटर प्रेस कीजिए, वैसे डाल देना चाहिए, एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पर परचेज अकाउंट कर दीजिए। ठीक है, परचेज अकाउंट कर दिया। अब मान लीजिए राइस खराब निकला था ना, तो ये राइस जो है रिटर्न करिए, 50 किलो राइस जो है क्या करना है, रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ राइस पे जाइए आप, एंटर करिए, और 50 किलो है तो 50 किलो आप वापिस कर दीजिए। तो 50 किलो वापिस कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये वापसी की एंट्री है, ध्यान दीजिएगा। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, अब ये अगेंस्ट रेफरेंस पे कर्सर अपने आप आ जाता है, ये जीएसटी का मतलब है अगेंस्ट रेफरेंस। ठीक है, एंटर प्रेस कीजिएगा, एंटर प्रेस कीजिएगा और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। ठीक है, ये हो गया। तो अभी आपके पास कितना बचा, स्टॉक समरी में जाके देखिए, यहाँ पे स्टॉक समरी आपको गेटवे ऑफ टैली पर नजर आ जाएगी। यहाँ पे स्टॉक समरी में जाइएगा तो अब खाली आपके पास बेसन बचा हुआ है 50 किलो, देखिए। ठीक है, जो राइस था वो आपने रिटर्न कर दिया, समझ में आ रही कि नहीं बात। अब बात कर लेते हैं कि अब मान लीजिए ये बेसन आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, अब फिर दोबारा आप लौटाएंगे, मतलब कि डेबिट नोट पर तो एंट्री पास हो गई, लौटा दिया आपने, तो 50 किलो चावल देंगे वापिस से, तो फिर आप परचेज वाउचर में जाएंगे और फिर यहाँ सप्लायर का जो भी इनवॉइस नंबर है वो डाल देंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ आ जाएगा क्रेडिटर पार्टी का लेजर, और एंटर प्रेस करते हुए फिर वापिस से अब दूसरा चावल देंगे बढ़िया वाला। तो यहाँ पे बढ़िया वाला चावल खरीद लीजिए, ये राइस कर दिया हमने और 50 किलो राइस जो है ये हमको वापिस से मिल रहा है। ठीक है, रेट जो है वही 40 रुपए, एंटर प्रेस करके और इसको कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये हो गया। तो अभी रिटर्निंग वाली बात समझ में आ गई, परचेज रिटर्न कैसे करते हैं, इसको परचेज रिटर्न बोलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कहां, सेल्स वाउचर में। तो सेल्स वाउचर में जाने के लिए आपको F8 प्रेस करना है, F8 प्रेस कर दीजिए, ये आ गया सेल्स वाउचर में। अब यहां पर आएगा डेटर पार्टी का लेजर, तो डेटर पार्टी का लेजर मैंने बना रखा है, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस करते हुए यहां पे आ जाइए। अब सेल्स अकाउंट आ गया। सेल्स अकाउंट आने के बाद आपको क्या करना है, सेल्स अकाउंट आने के बाद मान लीजिए कर रहे हैं 50 किलो राइस मौजूद है। ठीक है, तो 50 किलो में से मान लीजिए 40 किलो आप जो है सेल कर रहे हैं। ठीक है, 40 किलो कितना, 40 किलो सेल कर रहे हैं, 50 में से 40 आप सेल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और कीमत क्या रख रहे हैं आप, कीमत आप रख रहे हैं 50 रुपए, 40 में परचेस किया था, 50 में आप सेल कर रहे हैं। ठीक है, एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करवा लीजिए, ये न्यू रेफरेंस आ जाएगा यहाँ पर, इसको एक्सेप्ट करवा लिया। ठीक है, अब बाहर आ जाते हैं यहां से। ठीक है, अब आप जब गेटवे ऑफ टैली पर जाएंगे तो आपको ये इस तरह से ये दिखाई पड़ेगा। ठीक है, पहली वाली एंट्री जिसमें आपने चावल और बेसन दोनों खरीदा था, दूसरी वाली एंट्री जिसमें आपने केवल और केवल चावल खरीदा था, और यहां पर देख रहे हैं ये जो एंट्री पास की गई है, ये एंट्री क्रेडिटर वाली एंट्री वो एंट्री है जो कि डेबिट नोट में पास हुई थी और जिसमें आपने
चावल जो खरीदा था उसको रिटर्न वापस कर दिया गया था ड्यू टू बैड क्वालिटी, ठीक है। आप नीचे नरेशन भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहां पर आऊंगा तो ये जो एंट्री है ना, ये सेल्स वाली एंट्री है। अब इसको आप बेच रहे हैं, जैसे होलसेल सप्लायर से खरीद के लाते हैं, लोकल सप्लायर बेचते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी, अब एक ही में दोनों हमको दिखाना पड़ रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत है। चलिए अब यहां से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि ग्राहक आपको ले आके दे जाएगा, जैसे मान लीजिए जो डेटर पार्टी को आपने बेच दिया सामान, वो आपको ले आके दे गया कि भाई देखिए इतना सामान खराब है, देखिए ना चावल में जो घुन उन लग गया है। तो यहाँ पे भी प्रेस कर लीजिए और आ जाइए कहाँ पे, आप भी प्रेस करके और सीधा सीधा आ जाइए आप यहाँ पर क्रेडिट नोट में। तो अभी वो आपको वापस कर जाएगा, तो आप कैसे उसकी एंट्री करेंगे? तो देखिए क्रेडिट नोट में आ जाइए और यहाँ डेटर पार्टी का लेजर आएगा, और ओरिजिनल इनवॉइस नंबर याद है तो डाल दीजिएगा, एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पर आएगा सेल्स अकाउंट। और यहाँ पर अब मान लीजिए कि चावल, फिर चावल की बात आ रही है, तो यहाँ राइस कर देते हैं और मान लीजिए कि 20 किलो चावल जो है पूरा भुना हुआ है, ऊपर का, नीचे से तो ठीक है और ऊपर का पूरा भुना हुआ है, तो ये जो है चावल 20 किलो वापस कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अगेंस्ट रेफरेंस अपने यहाँ पर आया, एंटर प्रेस करेंगे इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये जो है परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न दोनों की एंट्री आपने पास कर ली, ठीक है। अब अगर आप स्टॉक समरी में जाएंगे, यहाँ पे देखिए स्टॉक समरी में आते हैं, तो यहाँ पे देखिए कितना कितना आपके पास बचा हुआ है। पहले चावल 50 किलो था, 20 किलो रिटर्न हो गया, तो 30 किलो बचेगा ना। बाकी बेसन तो पूरा है, बेसन एकदम सही है, बेसन वाला माल बहुत अच्छा है, तो उसको रिटर्न नहीं किया गया है, ठीक है। अब उसमें नीचे आप देख सकते हैं वो जो एंट्री मैंने की है उसको दिखा देता हूं पहले। अब जैसे ये जो क्रेडिट नोट में एंट्री है, तो यहां पर आप नरेशन डाल सकते हैं, नीचे जो नरेशन दिख रहा है ना, यहां पर आप नरेशन भी डाल सकते हैं। द गुड्स इस तरीके से लिख सकते हैं, द गुड्स हैव बीन रिटर्न ड्यू टू बैड क्वालिटी। तो इस तरीके से आप ये लिख सकते हैं, कारण बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे ये करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।